Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest updated videos. Hello everybody and welcome to my channel Query Solution, one stop solution for all your queries. So students, aaj hum jis topic ko padhne ja rahe hain, us topic ka naam hai excretion. और एक्सक्रीशन टॉपिक के अंदर हम इन सारे सब टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि है व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल डिटेल, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यूरिन प्रोडक्शन एंड इट्स रिमूवल. सो अगर आप भी ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. एक्सक्रीशन के प्रोसेस को समझने के पहले हमें इस पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आर बॉडी. मतलब हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट बन रहा है उसका बॉडी से रिमूव होना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारी बॉडी में ब्रॉड कैटेगरीज में क्या वेस्ट बनता है आखिर? सो इस तरीके से अगर हम समझें तो हमारी बॉडी में दो कैटेगरी के वेस्ट बनते हैं. एक बनता है सॉलिड वेस्ट और एक बनता है वेस्ट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. सो वी ऑल नो द सॉलिड वेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड, इट इज़ एक्चुअली फीसिस, जो कि हमारे कौन से ऑर्गन सिस्टम के थ्रू बनते हैं, दैट इज़ थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है दैट इज़ यूरिन. और ये यूरिन जिस ऑर्गन सिस्टम से बनता है उस ऑर्गन सिस्टम का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम. ऑलराइट, सो आज हम जिस प्रोसेस को समझ रहे हैं वो कौन सा प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, जिसके अंदर हमारी बॉडी से कौन सा वेस्ट रिमूव होता है? लिक्विड फॉर्म ऑफ वेस्ट, दैट इज यूरिन. एंड द प्रोसेस और द ऑर्गन सिस्टम थ्रू विच इट इज रिमूव्ड इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, सो अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आती होगी कि कोई भी ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल है. सो कोई भी ऑर्गन सिस्टम अगर होता है तो उसमें उसके पर्टिकुलर ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, उसके स्पेसिफिक ऑर्गन्स मौजूद होते हैं. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो उसके स्पेसिफिक और पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं उनके कौन से नाम होते हैं? द मेजर ऑर्गन इज किडनी. सो हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसके अंदर किडनी नाम का जो ये ऑर्गन है ये एक्चुअली यूरिन प्रोडक्शन में हमें बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है. और हर कोई ऑर्गन सिस्टम एक पर्टिकुलर सेल का बना है. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है उसका नाम होता है नेफ्रॉन. ऑलराइट, सो आई थिंक आई हैव मेड यू क्लियर. प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, देर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स ब्रेन में मौजूद होते हैं, नेफ्रॉन्स हमेशा किडनी में मौजूद होते हैं. सो ये स्पेसिफिक टाइप की स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलकर बनाती है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के, जिनका नाम है किडनीज. और ये किडनी हमारी बॉडी में लिक्विड वेस्ट का रिमूवल करने में हेल्प करती है, जो सिस्टम विच इज़ नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. So students, this is how the structure of a nephron looks like. Before आपको मैं explain करूँ कि nephron का structural details क्या होती हैं, मैं आपको quickly बताती हूँ कि हमारी body में इस nephron की आखिर requirement क्या होती है. So हमारी body में जितना भी blood होता है उस blood का filtration होना बहुत ही ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? Because हमारी body में बहुत सारे तरीके के waste होते हैं, especially the नाइट्रोजिनस वेस्ट, ऐसे वेस्ट जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन. इन नाइट्रोजिनस वेस्ट के एग्जांपल हो सकते हैं यूरिया, अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं या जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं. सो इनका बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है. सो एक्चुअली हमारी बॉडी में किडनी का क्या काम है? किडनी का हमारी बॉडी में मेन फंक्शन यही होता है दैट हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट है स्पेशली द नाइट्रोजिनस वेस्ट, उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव आउट करना. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, कौन सी सेल होती है, वो होती है एक नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन का एक्चुअल में काम ये होता है हमारी बॉडी में कि जितना भी ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसे फिल्टर आउट करना, दूसरे भी जो एक्सेस क्वांटिटी में वेस्ट है उन्हें फिल्टर आउट करना और बॉडी से बाहर करना.
ओके सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में डिटेल्स क्या क्या होती हैं. सो एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चरल पार्ट्स में बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ऑल राइट नाउ लेट अस सी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन इज दिस येलो कप शेप स्ट्रक्चर. ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा है, दिस येलो कप शेप स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज नोन एज वॉट. इट इज नोन एज बोमेंस कैप्स्यूल. एक कैप्स्यूल टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, ये कप शेप टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं बोमेंस कैप्स्यूल. इस बोमेंस कैप्स्यूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी फाइन कैपिलरीज, और इन कैपिलरीज के बीच में होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स. पोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल हमारी भाषा में छोटे छोटे से छेद. ऑल राइट सो इन कैपिलरीज के बीच में ये जो पोर्स होते हैं, ये पूरा एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस. सो दैट फॉर्म्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज द बोमेंस कैप्स्यूल. एंड इनसाइड द बोमेंस कैप्स्यूल आर प्रेजेंट अ नेटवर्क ऑफ फाइन कैपिलरीज विच आर पोरस इन नेचर विच इज नोन एज वॉट, ग्लोमेरुलस. The second important part of nephron, I'll show you in this box, this complete yellow pipe of structure which is inside the blue box, this important part which is known as what? The tubular part of nephron. Now, tubular का मतलब होता है ऐसा part जो कि tube shape का हो. अब tube shape में इस particular part के भी three parts होते हैं. So, let us see what are those parts. The first important tubular part is PCT. Now, what is this PCT? PCT is known as proximal convoluted tubule. ये क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ. The second part is known as the hairpin part. Now, hairpin आप सब लोगों ने देखा होगा, ये कुछ उसी के structure से resemble करता है. And the third important part is known as DCT. DCT का मतलब होता है distal convoluted tubule. अभी क्या है, इन्हें हम देखते हैं. देखिए, वो हिस्सा टिबुलर पार्ट का जो कि बोमेंस कैप्स्यूल से ठीक नज़दीक में है, मतलब कुछ ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम बोलेंगे लेट मी क्लेरिफाई दिस, एग्जैक्टली आपका इतना हिस्सा. ओके सो दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. ये जितना हिस्सा आपको दिख रहा है, या आप रिजेंबल कर सकते होंगे एक हेयरपिन के स्ट्रक्चर से. सो दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इज नोन एज दी hairpin loop part, or it is also known as loop of Henle. And the third important part of nephron is this part, this particular portion. So this is known as the part which is known as DCT. Abhi kyun is tarike se bole jate hai, I'll tell you. PCT, that is proximal part, ka matlab hota hai jo ki Bowman's capsule se nazdeek hai, matlab ye wala hissa. Hairpin, jaise maine aapko bataya, bended portion hai, that's why it is known as the hairpin loop part. एंड वो हिस्सा आपके ट्यूबुलर पार्ट का जो कि बोमेंस कैप्स्यूल से दूर है, मतलब कुछ ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम बोलते हैं डीसीटी. डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल, जो कि बोमेंस कैप्स्यूल से दूर की तरफ है. सो दोज आर द थ्री इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. आई थिंक आई हैव मेड यू क्लियर विद दैट. द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज योर पीसीटी. पीसीटी का मतलब होता है जो कि आपके बोमेंस कैप्स्यूल से नज़दीक है. The second important part is the hairpin part, and the third important part is the DCT, that is जो कि Bowman's capsule से दूर होता है. Now let us come to the third important part of nephron. So the third important part of nephron is actually this yellow pipe, which is known as what? Which is known as the collecting duct. So I'll quickly make you a quick revision. The structural detail of nephron contains three important part. The first part is the Bowman's capsule, which contains what? Which contains various thin capillaries inside it, which are porous in nature, that forms a network which is known as what? Glomerulus. The second important is the tubular part, which itself contains three parts inside, PCT, the hairpin loop, and DCT. And the third important part of nephron is this part, which is known as what? Collecting duct. Now let us move towards how does a nephron functions. अभी तो हमने ये समझा है कि एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. अब हम ये देखते हैं कि एक नेफ्रॉन का फंक्शनिंग किस तरीके से होती है. सो जब भी नेफ्रॉन अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, नेफ्रॉन हमेशा अपने इस प्रोसेस को थ्री स्टेप्स में अकम्प्लिश करता है. सबसे पहली स्टेप उसमें होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की. ओके नाउ
फिल्ट्रेशन का बेसिक मतलब आई थिंक आप सब समझते होंगे, किसी भी चीज़ को फिल्टर आउट करना या फिर किसी भी चीज़ को छानना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर होता है कि जब भी फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर के साथ में होगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आखिर नेफ्रॉन के किस पार्ट में हो रहा है? द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट इन साइड द वुमेन्स कैप्स्यूल, दैट इज आई सेड यू द ग्लोमेरुलस पार्ट। और जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें इन ग्लोमेरुलस की पोर साइज, मतलब इन साइज ऑफ द पोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके वुमेन्स कैप्स्यूल में ब्लड आता है रीनल आर्टरीज के थ्रू, यहाँ पर जब भी ब्लड आएगा ऑफकोर्स वो ब्लड में बहुत सारे अंदर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिन्हें कि हमें फिल्टर आउट करना है, दैट टू विद द एक्सट्रीम प्रेशर। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिनका साइज अपने आप में इनके मतलब ग्लोमेरुलर के पोर साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो, और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिनका पोर साइज ग्लोमेरुलर पोर्स के कंपैरिजन में छोटा हो। सो अब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है अगर जो बड़ी है तो ऑफकोर्स वो इन पोर से पास नहीं हो पाएगी, वेर एज कोई चीज़ अगर साइज में छोटी है तो वो बहुत ही आसानी से इन पोर से पास हो सकती है। सो द सब्सटेंसेज विच आर बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ग्लोमेरुलर पोर्स, दे विल रिटेन टू द बॉडी, वो बॉडी में वापस भेज दिए जाएंगे। जो सब्सटेंसेज बाहर नहीं जा पाएंगे वो बॉडी में बाहर भेज दिए जाएंगे। और ऐसे सब्सटेंसेज जिनका साइज आपके पोर साइज दैट इज ग्लोमेरुलर पोर साइज से छोटा होगा वो बहुत ही आसानी से इन्हें क्रॉस करके फर्दर किधर जाएंगे नेफ्रॉन के अंदर, वो जाएंगे उसके ट्यूबुलर पार्ट में। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सक्रीशन आकर विच इज नोन एज व्हाट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि होगा ग्लोमेरुलस में। सो जितना भी आपका जस्ट होल्ड ऑन, ये देखिए यहाँ से आपकी बॉडी में नेफ्रॉन के अंदर ब्लड आएगा, ब्लड के बाद यहाँ पर इस वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत एक्सेस क्वांटिटी में फिल्टर होगा, जो कि बड़े सब्सटेंसेस जो कि जो भी वेस्ट है या जो भी कंपोनेंट्स ब्लड के अंदर आ रहे हैं जिनका पोर साइज बड़ा है वो वापस से बॉडी में भेज दिए जाएंगे, और जिनका पोर साइज छोटा है जो कि इन ग्लोमेरुलर पोर से पास हो गए हैं वो नेक्स्ट जाएंगे द नेक्स्ट पोर्शन में, विच इज नोन एज व्हाट, द ट्यूबुलर पार्ट। सो दैट कंप्लीट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर process of excretion, that is ultrafiltration. Now let us look up at the next step. So the next step in the process of excretion is the process which is known as what? Absorption. Now absorption का मतलब I think आप समझते होंगे किसी भी चीज़ को absorb करना, और absorption particularly अगर होता है तो वो कौन से part में होता है? It occurs in the tubular part. Basically which part in the tubular part? The PCT part and the hairpin loop part. कैसे होगा? Now let us see that. ये देखिए, अब जितना भी ब्लड आपके ग्लोमेरुलस से आया है नेक्स्ट उसने कहाँ एंटर किया? ट्यूबुलर पार्ट में। सबसे पहले वो जाएगा इस पीसीटी के पोर्शन में, फिर जाएगा वो यहाँ पर इस हेयरपिन लूप के पोर्शन में। आपको जो रेड डॉट्स में बता रही हूँ ये आप देखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दैट देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप, विच वन? द ब्लू कलर पाइप एंड द रेड कलर पाइप, जो कि पूरे ट्यूबुलर पार्ट के में आसपास अच्छे से लपटे हुए हैं। इनका एक्चुअली क्या काम होता है? इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। कैसे? कि जैसे जैसे ब्लड आपके पीसीटी से होता हुआ इधर आपके हेयरपिन लूप में फ्लो होगा, ऐसा नहीं है कि इस ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स अभी मौजूद है वो सारे के सारे वेस्ट हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब भी ब्लड में मौजूद हो सकती है जो कि बॉडी को रिक्वायर होंगी। ऐसी सिचुएशन में बॉडी उनका नुकसान तो नहीं झेल सकती है। सो व्हाट द बॉडी विल डू? These network of the arteries, that is the red color pipe, and the network of vein, that is the blue color pipe. इनका काम यहाँ पर होता है कि जैसे जैसे ब्लड इस ट्यूबुलर पार्ट में फ्लो होगा जितने भी असेंशियल कंपोनेंट्स होंगे बॉडी को ये वापस से बॉडी में एब्जॉर्ब बैक कर लिए जाते हैं। ऑल राइट, आई एक्सप्लेन यू अगेन वॉट इज दिस प्रोसेस इज ऑल अबाउट। जैसे जैसे हमारी बॉडी में ब्लड ट्यूबुलर पार्ट में फ्लो होगा, स्पेशली इन द पीसीटी पार्ट एंड देन इन दिस हेयरपिन पार्ट, ये जितना भी नेटवर्क है आर्टरीज और वेन्स का, जितना भी ब्लड में अभी भी असेंशियल कंपोनेंट बचा हुआ होता है ये वापस से एब्जॉर्ब बैक कर लिया जाता है आपके नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज के थ्रू। तो दैट कंप्लीट्स द सेकेंड प्रोसेस ऑफ योर
एक्सक्रीशन विच इज़ द प्रोसेस और द स्टेप नोन एज एब्जॉर्प्शन. एंड फाइनली जब ब्लड अब इस हेयरपिन लूप से होता हुआ डीसीटी की तरफ जब जाता है तो जितना कंपोनेंट बॉडी को रिक्वायर है वो अब तक एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. सो जो बचा हुआ पोर्शन रहता है दैट इज नथिंग बट एक्चुअली वेस्ट. एंड दैट वेस्ट थ्रू डीसीटी इज सिक्रेटेड इनटू दिस पाइप विच इज नोन एज व्हाट कलेक्टिंग डक्ट. So this is how the three steps of the process of excretion are accomplished through nephron. The first step that is accomplished is which one? The process of ultrafiltration, that is filtration with the extreme high pressure. Second is the process of absorption. मतलब जितना भी essential component blood में है उसका absorb back होना जो कि arteries और veins करती हैं. And third is the process of secretion. मतलब जो भी अब ऐसा बच गया है waste जो कि actually body को required नहीं है वो collecting duct में भेज दिया जाता है और फिर इसे body से बाहर भेज दिया जाता है. So अगर मैं आपको ये समझाऊँ कि secretion में actually जो end product release हो रहा है वो क्या है. So that is the liquid waste that is produced in our body which is known as what? Urine. So आप अब ये analyze कीजिए कि हमारी body में जो kidneys है जिनमें millions of nephrons मौजूद होते हैं ये हमारी body में पूरा blood filter करते हैं ताकि उसमें से जो भी गंदगी है जो भी waste है specially nitrogenous waste है उसे छाना जा सके filter out किया जा सके और एक watery liquid that is urine के form में उसे body से बाहर भेजा जा सके. सो अभी तक तो हमने देखा है कि किस तरीके से नेफ्रॉन ने काम किया. अब ये पूरा यूरिन आखिर हमारी बॉडी से कैसे पास होता है सिर्फ नेफ्रॉन की मदद से नहीं होगा. यहाँ पर अब उसे ज़रूरत होती है बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो कि फॉर्म करते हैं एक पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो ये जो आप पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख रहे हैं दीज आर डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि इस पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन बेसिक ऑर्गन कौन सा होता है द मेजर ऑर्गन दैट इज वी ऑल नो इज व्हाट किडनी. सो हमारी बॉडी में कितनी किडनीज होती हैं देर आर अ पेयर ऑफ किडनी और टोटल टू नंबर्स ऑफ किडनी और ये किडनी हमारी बॉडी में बैकबोन से नीचे की तरफ प्रेजेंट होती हैं. सो दीज आर द टू किडनीज दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. इन किडनीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे मिलियंस ऑफ क्वांटिटीज में नेफ्रॉन और हर एक नेफ्रॉन का काम है ब्लड को फिल्टर करना. हर एक नेफ्रॉन का काम है कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन को लेके आना और फाइनली जितना भी यूरिन होता है वो इस किडनी से निकलता हुआ ये जो पाइप आपको नजर आ रहा है इसमें भेज दिया जाता है. एंड दिस पाइप इज अगेन अ पेयर ऑफ पाइप जो हर एक किडनी से निकलता है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर्स. ओके ये यूरेटर्स फर्दर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जाते हैं जिसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर. And whenever the urinary bladder gets filled up with urine, there is an urge to pass this urine. And then it comes out through the body through this opening which is known as what? Which is known as urethra. So I'll again explain you how does the excretory system functions. Once the nephron completes up their work of the process of excretion, that is through those three steps, ultrafiltration, absorption and secretion, the urine from all the collecting duct of the kidneys comes into the pipe which is known as what? Ureters. From the ureters it goes inside the urinary bladder and then through the opening of urinary bladder which is known as what? Urethra, it comes out of the body. So इस तरीके से हमारी बॉडी में excretory system का पूरा काम होता है ब्लड का filtration होता है और waste that is in the form of urine हमारी बॉडी से बाहर भेजा जाता है. सो आई होप मैंने आपको इस वीडियो में इस प्रोसेस को अच्छे से समझाया है. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आप और इस तरीके से वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और इस तरह से वीडियो बना सकूँ.